You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. क्या अब मैं पिस्टल के साथ सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर आपको भाई ये चीज़ जाननी है तो भाई वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आज आपको भाई लेके आ चुका एक चैलेंज की वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर, जो कि भाई सिंपल वीडियो नहीं होने वाली है। आज आपका भाई लेके आ चुका है एक चैलेंजिंग वीडियो, मतलब भाई इसमें आज हम कर रहे हैं चैलेंज। और भाई दो गेम प्ले हैं इसमें, एक तो है भाई थॉमसन चैलेंज के साथ और भाई एक है पिस्टल चैलेंज के साथ। तो भाई बस आपको एक काम करना पड़ेगा, बस भाई वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। और भाई क्या हम दोनों क्या हम ये दोनों चैलेंज कर पाएंगे? अगर आपको ये जानना है तो भाई वीडियो में बने रहो बस। और भाई अभी फिलहाल के लिए मैं आता हूँ स्टेडियम के, भाई बहुत सारे बंदे हैं लेकिन भाई यहाँ पर कोई नहीं आता, बस एक बंदा आता। तो भाई देखो कैसे निपटाते हैं इसे। और गाइस, जब आप बोलोगे भाई तूने M4 ले रखी थी, तो भाई वो थोड़ी गलती से हुई थी। मैं ये वाला जो मैंने गेम स्टार्ट किया, तो भाई मैं सोच रहा था भाई करेंगे हम UMP 45 चैलेंज, लेकिन भाई थॉमसन चैलेंज ही कर लेते, क्योंकि मुझे थॉमसन मिल जाते। तो भाई अब देखो भाई यहाँ पे 3-4 स्क्वाड, तो भाई देख दो कैसे निपटाते हैं। और गाइस, इतनी सारी गोली की आवाज़ सुन के आप लोग भी सोच रहे हो भाई ये क्या आ गया। तो भाई ऐसा मुझे भी लगा था, क्योंकि भाई यहाँ पे होती है 3 या फिर 4 स्क्वाड, जो कि भाई सामने की तरफ होती है। बस देखना भाई इन्हें कैसे निपटाते हैं यार, बस मज़ा आने वाला है। Enemy down. और गाइस, फिलहाल मैंने दो अलग अलग स्क्वाड के बंदों को नॉक कर ही दिया था। तो भाई मैं सोचता हूँ पहले हिलिंग लगाते होते हैं और भाई फिर रेस्ट करेंगे, लेकिन भाई इतने में एक स्क्वाड खत्म हो जाते हैं। लेकिन भाई चिंता मत करो, अभी एक दो स्क्वाड बाकी है। तो भाई देखो अभी कैसे निपटाते हैं। और गाइस, मुझे नहीं पता यार वो वाला बंदा कहीं पर भाग जाता है, और भाई मैं उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि भाई मुझे लगानी होती है हीलिंग। और भाई हीलिंग लगाते ही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ स्मोक, क्योंकि भाई ये वाला है स्मोक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन वाले स्क्वाड को निपटाने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला ही था भाई ये वाला स्मोक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो भाई बिल्कुल यही होता है। मैं यहाँ पर आगे हीलिंग लगाता हूँ और भाई फिर से कर देता हूँ उनके ऊपर रश। और गाइस, आप लोगों को ये वाला क्लिप पसंद आए होंगे, नहीं पता यार जोड़ फोड़ के भाई एक क्लच ही लगा लो। अगर आपको ये वाला क्लच पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि भाई बाद में मौका मुझे नहीं मिलने वाला ये वाली बात बोलने का। तो भाई खैर, मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ गाड़ी लेके, इतने भाई पीछे से आती है बोट फायरिंग। मैं सोच रहा होता हूँ कि भाई चलो यार, थोड़ा मतलब मेरे अंदर भी वो था कि भाई अब मैं बंदों को मार सकता हूँ, क्योंकि भाई इतने सारे बंदों के बीच में था मैं, तो भाई थोड़ा जोश जाता था। और भाई मैं कर देता हूँ उनके ऊपर रश। और भाई आप देखना, बस यहाँ पे होते हैं दो बंदे। और अब मैं थोड़ी बहुत गोलियां चला के भाई डायरेक्ट पीछे की तरफ भाग लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि भाई वे दोनों करने वाले हैं रश। Enemy down. और मुझे भाई बहुत देर हो चुकी थी उसका इंतजार करते हुए, बंदे भाई मेरे ऊपर रश ही कर दे, लेकिन भाई वो बंदा तो भाई चालाकियां करके गाड़ी को लेकर भाग रहा होता। तो भाई मैं काफी फायरिंग करता हूँ भाई उसके ऊपर, लेकिन भाई जैसे कि आपको पता है भाई मेरा सिस्टर स्प्रे वो बच जाता है, लेकिन भाई हमारे पास होती है भाई एक टारजन द वंडर कार, जिसे कि भाई मैं लेके
निकल देता हूँ उस बंदे की तलाश में, और भाई वो वाला बंदा मुझे मिल भी जाता तो भाई अब देखना यार उस वाले बंदे से कैसे बदला लेते हैं। और गाइस अब मैं ओपन में लूटने अगर हीलिंग करने के बजाय मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाता हूँ भाई, फिर हीलिंग करता हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा भी मिलता है और भाई नुकसान भी, क्योंकि भाई मेरे जो ये गाड़ी होती है इसके ऊपर बहुत ही तगड़ी फायरिंग आने लगती है, जिससे भाई इसमें से धुआं निकलने लग जाता है और भाई मुझे काफ़ी डर लग रहा था कहीं भाई ये गाड़ी फट ना जाए, तो भाई डायरेक्ट मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ भाई। यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं कर देता हूँ डायरेक्ट उन वाले बंदों के ऊपर रश जो कि भाई यहाँ पे थे, और भाई एक स्मोक भी कर देता हूँ अपने लिए ताकि भाई थोड़ा अच्छा करूँ मैंने। तो भाई अब देखना यार अब मज़ा आने वाला है। और फिलहाल नहीं पता भाई मेरे एम को क्या ही हो जाता है भाई, मतलब हद होती है यार इतना गंदा स्प्रे। Enemy down. तो गाइस इसी के साथ हमारा हो जाता है थॉमसन चैलेंज कंप्लीट, और भाई शानदार किल्स के साथ भी, क्योंकि भाई 14 किल्स हो ही गए हैं। तो भाई खैर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम प्ले की ओर, जिसमें भाई मैं कर रहा था पिस्टल चैलेंज और भाई मेरा बंद टीममेट जो है उसको दिख जाता है एक बंदा। चलो भाई ठीक है मार दो उसको। और गाइस वाला बंदे को निपटाते हैं मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और भाई यही टाइम है जल्दी से जाओ भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई घंटा दबाना भाई मत भूलना, क्योंकि भाई उससे भाई काफ़ी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते हैं। खैर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर, और भाई मेरा टीममेट मार्क लगा था कि भाई यहाँ पे बंदे हैं सामने भाई बंदा। लेट्स गो, ओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ ब्रो, ऊपर आ जाओ ब्रो। और गाइस फिलहाल मेरा टीममेट हो जाता नौकर भाई, आपने उसकी बात सुनी नहीं होगी भाई, वो मुझे बोल रहा था कि भाई तू मत जाने चल भाई उसी के साथ स्कैम हो जाता है। खैर भाई मैं अपने टीममेट को जल्दी जल्दी रिवाइव देता अंदर कवर में जाके, और भाई उसके भाई मतलब नेगेटिव बात सुनो यार, ये बोल रहा है कि भाई हम बचेंगे नहीं, सुनो भाई बंदे आ रहे हैं बचना मुश्किल है भाई, बंदों ने गेट ही फोड़ दिया। इधर ही आ जा भाई, इधर भाई इधर आ जा भाई। एनिमी डाउन फाइट ले ले। तो गाइस फिलहाल जिस बंदे भी भाई कोई वाला क्लच पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, और भाई जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना अगर कोई भाई नया देखना है वीडियो को, क्योंकि भाई हम काफ़ी करीब यार 1300 सब्सक्राइबर के, 8 या 9 सब्सक्राइबर ही बात। और गाइस यहाँ से काफ़ी देर से फायरिंग हो रही थी, तो भाई मैं यहीं पर आ जाता हूँ गाड़ी उठा के, और भाई वो भी हमारी पिस्टल के साथ डेजर्ट ईगल के साथ, और भाई पहले वाला बंदा यहाँ पे होता है लेकिन भाई वो वाला बंदा कूद के मेरे टीममेट के ऊपर रश कर देता है, तो भाई अब देखना यार कैसे पकड़ा लेंगे उससे। बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और गाइस फिलहाल आप लोगों को AWM की फायरिंग सुनी गई होगी, तो भाई ये वाली चीज़ सुन के भाई कतई मतलब डर लगने लग जाता है, और भाई फिलहाल मेरी हेल्थ भी वो लोग कम कर देते हैं, लेकिन किसी तरह मैं स्मोक करते हैं गाड़ी उठाता हूँ भाई यहाँ पे आ जाता हूँ, और भाई यहीं पे होते हैं दो चार बंदे, तो भाई देखना यार कैसे निपटाते हैं यार पिस्टल के साथ। मत रोको दो बंदे।
और कजूस वाले बंदे को निपटाते ही हेल्थ वोट लगाते मैं यहाँ पे आता हूँ। और भाई सामने की तरफ आप दो आपको एक बंदा दिखे गए होगा और मुझे लग रहा था वहाँ पे दो बंदे, लेकिन भाई ये एक ही बंदा होता है जिसके ऊपर भाई मैं काफ़ी फायरिंग करता हूँ, लेकिन भाई पिस्टल है यार क्या ही कर दूंगा इसके साथ। और गाइस यहाँ पे तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन भाई फिर देखना भाई अभी एक बंदा भाई था क्या ही थर्ड पार्टी करता है, मतलब भाई पीछे से धप्पा करने का प्लान था। Enemy down. और मुझे नहीं पता यार आज मेरा अनलक कितना साथ क्यों दे रहा है। तो भाई खैर अब देखना भाई फिर से एक और बंदा आता भाई, मतलब शांति लेने ही नहीं दे रहे मेरे को। Enemy. Down. और गजिस वाले बंदे को तो यार पता ही नहीं चला मतलब उसके साथ क्या ही हो गया। खैर भाई मैं फिर यहाँ पे आता हूँ और भाई सामने की तरफ दो बोट दिखते हैं जिसे भाई डेजर्ट ईगल के साथ काफी इजीली निपटा देता हूँ, लेकिन भाई जो आखिरी बंदा होता है ना भाई मतलब बस देखना यार वो कितना ही ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करा देता है और भाई आखिर में देखना भाई क्या ही सीन हो गए। बस अब आप देखना भाई क्या हम बच पाते हैं या फिर नहीं। तो भाई आप देख सकते हो भाई सामने तरफ वाला बंदा आ चुका था फिलहाल के लिए, और फिर मैं थोड़ी देर तक भाई उसके साथ ऐसे ही करता रहता हूँ, मतलब मैं नेट करता हूँ वो नेट करता है, लेकिन भाई फिर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट रश कर देता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा यहाँ पर होता ही नहीं पता भाई कहाँ पर स्नैक बन जाता है, फिर भाई कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मैं यहाँ पर दो चार स्मोक कर देता हूँ क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि भाई बंदा एकदम से यार गायब कैसे होगा। और भाई आप देख सकते हो यार मतलब S12K वर्सेस पिस्टल चैलेंज हो रखा है, बस भाई आप देखना यार कौन जीतेगा इसमें, काफी मजा आने वाला है। जोन से बाहर जाओ, जोन से अंदर जाओ, अंदर बहुत मचा है जोन में। और गाइस यहाँ पे मैं भाई एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर देता हूँ जिसका भी मुझे बाद में भाई काफी अफसोस भी होता है, भाई मैं स्नेक बन जाता हूँ वो भाई मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और भाई एक और गलती भाई वो जो बंदा था भाई उसने S12 के क्यों चलाई यार, मतलब यार ऐसी गन कौन चलाता है, मुझे काफी डर लगने लगा था भाई जैसे ही S12 के चलती है। फिलहाल गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, आपको कैसा लगा ये वाला चैलेंज मुझे कमेंट में बता देना, और भाई और जो नेक्स्ट चैलेंज है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। खैर भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।